जो हमारा कैपिटल सिटी है शिमला और शिमला डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों के साथ अपने इंट्रैक्शन में बताया था कि हमारे जो चैलेंजेस रहते हैं वो सीज़न बेस्ड रहते हैं, समर और रेनी सीज़न और फिर उसके बाद जो विंटर सीज़न। सो दिस ईयर हमने सभी सीजन्स जो है, प्रीवियस ईयर हमारा 2023 रहा, उसमें हमने सभी सीजन्स जो हैं वो चैलेंजेस को मीट करने के लिए और जो जिस प्रकार की चुनौतियां रहती हैं उनको उनका सामना करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की थी। शिमला की ट्रैफिक को डीकंजस्ट करने के लिए पिछले वर्ष 2023 में हम 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लेकर आए थे, जो कि एक साइंटिफिक टाइम स्पेस नंबर और कैपेसिटी ऑफ द सिटी के ऊपर आधारित हमने एक प्लान बनाया। काफ़ी समय उस प्लान को बनाने में लगाया, पूरा फील्ड सर्वे किया और उसके बाद हम एक 1 मिनट ट्रैफिक प्लान के नाम से एक प्लान लेकर आए। हमारा प्लान वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, हमने सभी सीजन्स में जो है वो उस प्लान को लागू किया। जब भी हमारे आगे चैलेंजेस थे नंबर ऑफ व्हीकल्स के ज़्यादा होने के, तो उस परिस्थिति में जो है वो शिमला वासियों के लिए और अब बाहर से आने वाले टूरिस्ट के लिए एक अच्छा इफेक्टिव प्लान साबित हुआ। इसके अतिरिक्त जो है, जहाँ तक पर्यटकों की संख्या है, गाड़ियों की संख्या है, जो डेटा हमारे पास है उसमें 20% इंक्रीज़ है। कोविड के बाद मूवमेंट जो ट्रांसपोर्ट रूट्स के ऊपर हुई है उसमें 20% से ज़्यादा जो है, 25% के करीब जो है नंबर ऑफ़ व्हीकल्स का आवाजाही ज़्यादा हुई है। हमारे 1 मिनट ट्रैफिक प्लान, एप्पल ऑन व्हील्स प्लान और विंटर में वेलकम टू शिमला प्लान जो है उनको हमने सुचारू रूप से जो है इन प्लान्स को नाम दिया और साथ में सुचारू रूप से इन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया। एक्सीडेंट्स कम हुए, रोड इंजरीज कम हुई, डेथ्स कम हुई, तो कुल मिलाकर जो सड़क दुर्घटनाओं को जो है रोकथाम करने के लिए जो है एक अच्छा कारगर इफेक्टिव प्लान जो है हमारा ये साबित हुआ है। इसके अलावा जहाँ तक आप संख्या की बात कह रहे हैं तो एग्जैक्ट नंबर्स तो हमारे पास है नहीं, लेकिन एक अनुमान हम बता सकते हैं कि इस वर्ष जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा पर्यटक 15 दिनों में जो उनका आवागमन शिमला सिटी कैपिटल डिस्ट्रिक्ट से हुआ है और लोग आए हैं गए हैं। न्यू एरी में जो है वो लगभग 70,000 से 80,000 लोग जो हैं माल रोड रिज और इसकी सराउंडिंग में जो थे एकत्रित हुए थे। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। प्रदेश सरकार का जो इनिशिएटिव है विंटर कार्निवल एट शिमला वो भी बड़े सक्सेसफुल तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। तो कुल मिला के जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है किसी भी सिटी की अगर हम देखें तो उसमें ट्रैफिक और ट्रैफिक कंजेशंस, ट्रैफिक जैम्स जो हैं वो एक पैरामीटर्स हैं उसको डिसाइड करने के। हमारे प्लान्स जो हैं वो सक्सेसफुल इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने उनको ग्राउंड्स पे बनाया, उनका पूरा जो है प्रयोग ग्राउंड्स पे किया और इसमें लोगों की भी हमको एडमिरेशन मिली है, आम जनता ने भी इस चीज़ को सराहा है। सो वी थैंक मीडिया एंड ऑल पीपल, वी एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू पीपल जिन्होंने इस प्लान में जो है अपनी सहमति जताई। और वास्तव में मैं ये कहूँगा कि ये एक अच्छा कारगर हमारा उपाय है जो शिमला को डीकंजस्ट करता है। इस बार से देखने को मिला कि होटल के भी कोई ज़्यादा मामले ऐसे नहीं आए, इसकी क्या वजह रही? क्या पुलिस की पहली नज़र थी या लोगों को जागरूक किया गया था, किस तरीके से काम? इट वॉज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग कि जब कोई भी लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो फैमिलीज के साथ आते हैं और गुड टूरिज्म का एस्पेक्ट भी यही रहता है। आपने देखा होगा कि शिमला में किसी प्रकार की भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। इसमें लोगों को हमने अच्छे से वेलकम किया शोगी बैरियर पे और उसी से जो था क्लियर इंडिकेटर था कि पुलिस की जो पार्टिसिपेशन एज ए फैसिलिटेटर वो इफेक्टिव तरीके से जो है वो ग्राउंड पे दिखी। और दीज आर दी वेज एंड मीन्स, ये सब तरीके रहते हैं लोगों के साथ पार्टिसिपेट करने के, लोगों को वेलकम करने के और सहमति के साथ लोगों को गाइड करने के। जो टूरिस्ट यहाँ पे आए उनका शानदार वेलकम जो है वो सभी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्होंने किया और बहुत सारे लोगों ने हमको फीडबैक दिया कि दे हैड अ गुड टाइम हेयर, उनका बहुत अच्छा समय शिमला में बीता। जहाँ तक ये हुड़दंग और इस तरह की जो आप बातें कर रहे हैं या जो क्वेश्चन आपने मुझसे किया है, वो कोई भी चीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे कैपिटल में, नॉट इवन इन द इंटीरियर एरिया, जो हमारे जो आउटसाइड द सिटी पार्ट से कहीं पे भी नज़र नहीं आई। सो दिस इज़ द दिस हैपेंड एज पर प्लान एंड आल्सो की पीपल्स पार्टिसिपेशन वॉज वेरी पॉजिटिव। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।